ये देखो भाई, अभी हल्की सी बारिश मतलब हुई भी है अभी थोड़ी देर पहले। बाहर जो रोड है ना, थोड़ी गिल्ली गिल्ली सी हो रखी। गाड़ी भी देखो, गाड़ी के ऊपर मतलब, एंड ये विंडो पे आप देख सकते हो भाई, बारिश तो हल्की बूंदाबांदी अभी स्टार्ट हो रखी है मतलब। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो शाम के बज रहे हैं भाई 3:11 एंड अभी देखो वेदर साफ हो चुका है। थोड़ी देर पहले भाई पूरा क्लाउडी था, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। एंड अभी सबसे पहले मुझे जाना है डाउनटाउन और मुझे लेना अपना बस पास, मतलब नेक्स्ट मंथ का जून का। तो ये मेरा लास्ट मतलब बस पास होने वाला है जो मेरे को अभी $5 में मिलता है। तो ये अभी शायद मेरे को जून के बाद नहीं मिलेगा, तो वो मैं अभी ले लेता हूँ। बाकी क्या है, ड्रोन भी मैंने साथ में रख लिया, अगर वेदर सही रहा तो बीच में कहीं अगर अच्छी लोकेशन मिली तो भाई ड्रोन शॉट पे ले लेंगे डाउनटाउन में। तो बाकी पहले तो बस पास लेना है। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अभी भाई सेंटर सिटी डाउनटाउन, और ये सामने ही ऑफिस है कैलगरी कनाजी कॉलोनी का, जहाँ से मुझे अपना पास लेना है। बाकी भाई वेदर फिर दोबारा से ऐसे ही लग रहा है मेरे को। देखो सामने कैलगरी टावर, बादल देखो भाई ऊपर, बारिश आने की पूरी संभावना है मतलब। तो गाइस फाइनली भाई पास तो मिल चुका अपने को, लेकिन बोला नेक्स्ट मंथ से नहीं मिलेगा। मेरी जो पास की एक्सपायरी है वो नेक्स्ट मंथ खत्म हो रही है। जो लो इनकम बस पास मेरे को मिलता था ना 580 वाला, वो अब नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मेरे को शायद दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। वो लोग चेक करेंगे इस साल मेरा मतलब जो भी है कितना मतलब टैक्स पे किया मैंने और कितनी इनकम है पूरे साल की, तो उसके हिसाब से वो मिलता है मतलब। बाकी भाई बारिश होने लगी है और ऐसे में तो ड्रोन मतलब कैसे उड़ाएंगे यहाँ पे। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं जा रहा हूँ अभी नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे छोटा सा काम है एक, वो करके फिर आते हैं वापस। तो भाई अभी टाइम हो रहा है भाई 4:43, फाइनली मैं आ चुका हूँ मैकनाइट, और अभी यहाँ से 2-3 स्टॉप और आगे जाना मुझे बस। बाकी वेदर भाई काफी खतरनाक हो रखा अभी मतलब, बारिश हुई है तकड़ी वाली अभी। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भाई अपनी फाइनल लोकेशन पे, और अब मुझे ढूंढनी है यहाँ पे एक टेलर की शॉप, क्योंकि भाई जो मेरी जॉब की दो पैंट है ना उनमें थोड़ा सा दिक्कत है मतलब। एक तो फट गई साइड से, उसको सिलवाना है, दूसरी एक टाइट करवानी है, क्योंकि मैं कल वॉलमार्ट में गया था, वहाँ पे मैंने देखा भाई $35-40 की पैंट है। चलो गाइस फाइनली भाई अपना काम हो चुका है, तो यहाँ पे एक मेरे को मिला है टेलर की शॉप, शॉप का नाम है सोनी कलेक्शन। तो मैंने वहाँ पे पैंट दे दी, तो $20 बोला उन्होंने दोनों का, अगले थर्सडे को मेरे को मिल जाएगी, तो उस दिन मैं आपको शॉप भी दिखा दूंगा। तो गाइस ये जितना भी प्लाजा आप देख रहे हो ना, ये पूरा मतलब यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट क्या मुझे लग रहा है सारे जो स्टोर है ना सब देसी लोग के ही हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ पे, ये है गाइज, ये है भाई बॉम्बे, क्या नाम है, बॉम्बे चटनी, बॉम्बे चपाटी। तो गाइज रेस्टोरेंट का नाम है बॉम्बे चपाटी। अभी टाइम हो रहा है भाई 5:30, और फाइनली मैं आ चुका हूँ बॉम्बे चपाटी से बाहर। तो मेरे को लग रही थी भाई भूख बड़ी तेज़ी, तो मैंने सोचा चलो अपने देसी एरिया में आ रखे थे भाई कुछ देसी खाना हो जाए। तो मैंने लिए थे छोले भटूरे, भटूरे भाई ठीक थे, और छोले का जो टेस्ट था ना एकदम फीका फीका लगा मेरे को, तो मतलब इतना मज़ा नहीं आया। बाकी जो डाइनिंग है ना भाई, रेस्टोरेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन था। तो अभी फटाफट से भाई निकलते हैं घर, क्योंकि मेरा आ गया है काम। तो गाइज अभी देखो भाई वेदर सही हो चुका है मतलब, धूप अच्छी निकल चुकी है, और यहाँ पे सामने पार्क है काफ़ी खूबसूरत और बड़ा भी। तो यहाँ से मैं सोच रहा था ड्रोन फ्लाई करने का, लेकिन भाई अभी टाइम नहीं मेरे पास, मेरे को किसी काम की वजह से ना घर पे वापस जाना पड़ रहा है। तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग होता है गाइस समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।